हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ गनर, आप देख रहे हैं एजी मत हो चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग जो है जमीन जायदाद लिए हैं, जमीन जायदाद लेने के बाद क्या होता है कि उसको सीमांकन कराना पड़ता है। सीमांकन कराने से आपको ये पता चलता है कि आपके जमीन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको जो है मिल जाती है, यानी कि आपका एरिया की सीमा, तो उसको सीमांकन बोला जाता है, ठीक है। उसको पटवारी और आरआई लोगों से जो है उसको करवाना पड़ता है। तो आरआई और पटवारी लोग तभी आते हैं, सरकारी कर्मचारी लोग तभी आते हैं आपके जमीन पे नाप जोख करने के लिए, जब आप कोई आवेदन देंगे तब। और आवेदन को पास कराना होता है, तहसीलदार साहब उसको पास करते हैं। तहसीलदार साहब ऑर्डर देंगे कि सीमांकन, इनका जमीन को सीमांकन करना है। तो अगर आप जो है वो आवेदन जो नहीं देंगे तो आपका सीमांकन नहीं हो पाता है। तो ऐसे मामले में दोस्तों, अगर आप जो है वो आवेदन देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जमीन खरीद रखे हैं, जमीन जायदाद ले रखे हैं, तो जमीन को जो है आप अपना जमीन का सीमांकन करवाना चाहते हैं, तो आवेदन देना होगा आपको तहसीलदार साहब को, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों, ये एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे हम लोग आवेदन दें, उनको जानकारी नहीं होता है। तो प्रोफेशनल जो है आप एप्लीकेशन कैसे बना पाएंगे, इसको जो है मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे ऊपर हेडिंग में आपको लिखना होगा कि न्यायालय श्रीवान तहसील, ठीक है। जो आपका तहसील ऑफिस होगा उसको लिखेंगे, और जो आपका स्टेट होगा उसको वहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्त, जैसे कि मैंने यहाँ पे रायपुर लिखा हूँ और यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हूँ, तो न्यायालय श्रीमान तहसील रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका नाम आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ रमेश खिरवाल, इसके बाद नया रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद जो है राइट साइड में देख रहे होंगे आवेदक, ठीक है। आवेदक के बाद दोस्तों बनाम होता है, बनाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन लिखा, और आप जो राजस्थान होंगे तो राजस्थान लिख सकते हैं, राजस्थान शासन, उत्तर प्रदेश शासन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों ये होता है अनावेदक, आवेदक हो गए आप, और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ शासन हो गया अनावेदक। तो दोस्तों इसके बाद जो है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129, जो आपका स्टेट का धारा होगा उसी हिसाब से आपको लिखना होगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का धारा जो है 129 है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से लिख कर आप जो है आवेदक की ओर से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है यहाँ पे, आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है, ठीक है। आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद लिखने के बाद आपको इसके नीचे आपको मैटर को लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मैं जो है ये बोल रहा हूँ, इसको जो है मैं आपको यहाँ पर जो है मैं चिपका दूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इसका PDF फाइल को जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा और समझ लीजिएगा अब किस तरीके से आवेदन लिखा जाता है। मैं आप लोग को जो यहाँ पर पढ़कर जो है सुना दे रहा हूँ, कि क्योंकि बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पूरा लिखना यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कि आपको आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है, इसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर यह कि आवेदक के हक अधिकार की भूमि, स्वामी हक की भूमि, जो आपका गांव होगा उसको डालिएगा। ग्राम मान लीजिए कि टेम्पे पाली, ठीक है। और पटवारी हल्का नंबर प ह न, पटवारी हल्का नंबर 08, तहसील व जिला रायपुर में, भूमि खसरा नंबर, आप खसरा नंबर या प्लॉट नंबर आप लिख देंगे यहाँ पर। लिखने के बाद जो दोस्तों आप जो है रकबा नंबर डालेंगे, जितना भी खसरा होगा सारे खसरा का दर्शाना पड़ेगा, और सारे का रकबा भी यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। और कुल खसरा मान लीजिए 10 है, तो कुल खसरा 10 और कुल रकबा जो भी होगा उसको आपको दर्शाना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों आप सेकंड में आप लिखेंगे यह कि आवेदक को उक्त भूमि की चतुर्सीमा का सही जानकारी है, तो उक्त भूमि का सीमांकन कराना चाहता है, तथा आवेदक उक्त भूमि का सीमांकन है तो आवश्यक शुल्क बैंक में चालान के माध्यम से आवश्यक शुल्क अदा कर उसकी रसीद चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आवेदन, जब हम लोग सीमांकन के लिए आवेदन देते हैं, इससे पहले हमको जो है क्या करना पड़ता है, इसका फीस पटाना पड़ता है, ठीक है। जितना प्लॉट नंबर रहेगा या जितना खसरा नंबर रहेगा उतना 50 रुपये लगता है, यानी कि एक खसरा का 50 रुपये या एक प्लॉट का 50 रुपये लगता है छत्तीसगढ़ में। हो सकता है अदर स्टेट में, बिहार में या फिर झारखंड में या फिर जो है उत्तर प्रदेश में या फिर जो है कहीं और भी स्टेट में वो कुछ अलग उसमें फीस लग सकता होगा, कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे 70 रुपये, कहीं पे 40 रुपये, कहीं पे 30 रुपये,
या फिर कहीं पे 80 रुपये ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में एक खसरा या एक प्लॉट का 50 रुपये ही लगता है। अगर 10 खसरा होगा तो आपको यहाँ पे जो है 10 खसरा का 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये लगेगा, 20 खसरा होगा तो 1,000 रुपये यहाँ पे आपको चालान के माध्यम से आपको पेड करना होगा। चालान आपको जो है जमा के चालान कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं जरूर आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा दोस्तों, किस तरीके से चालान होता है, किस तरीके से चालान को भरा जाता है और किस तरीके से आपको जो चालान को पटाया जाता है। और ये चालान जो है बैंक में ही जमा हो जाता है, कहीं के सारे बैंक में ये नहीं होता है दोस्तों। SBI का, स्टेट बैंक का लगभग लगभग जो स्टेट हमारे छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक में होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वो भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांच होता है चालान, जहाँ पे जिस ब्रांच में चालान जमा होता है उसी ब्रांच में ही होगा, सारे बैंक में जो है चालान जमा नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको शुल्क जमा करने के बाद आप जो है आवेदन जो बनाते हैं, ये एप्लीकेशन जो बन गया, इस एप्लीकेशन प्लस वो चालान का कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, और उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जो आपका जमीन का सेल डीड हो जाता है, यानी कि जमीन का पट्टा का छाया प्रति, और एक ठो बीवन संधारण खसरा बीवन पिट्टू जो होता है वो दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आप जो है नक्शा, जो कंप्यूटर नक्शा होता है उसको आप यहाँ पे लगाकर आप जो है आवेदन के साथ में अटैच करके आप लोग दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम तीसरा नंबर में लिखेंगे, यह कि उक्त तो कारण से आवेदित भूमि का सीमांकन हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक से कराए जाने का आदेश दिया जाना उचित होगा, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप प्रार्थना करना होगा, जैसे लिखते हैं हम लोग प्रार्थना लिखकर, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदित भूमि का सीमांकन किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर जो है PDF फाइल जो है यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरीके से लिखा था। इसके बाद दोस्तों लास्ट में लिखेंगे आप आवेदक, आवेदक लिखने के बाद आप जो है अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे, ठीक है। और साइड में दोस्तों आप दिनांक देंगे, दिनांक देने के साथ में दोस्तों आप संलग्न लिख कर वहाँ पे जो है आप वहाँ पे रजिस्ट्री कॉपी का छाया प्रति लिखेंगे, लिख सकते हैं, और जो है B1 B2 लिख सकते हैं, और वहाँ पे जो है आप नक्शा लिख सकते हैं, इस तरीके से वहाँ पर दे सकते हैं, या फिर संलग्न नहीं लिखेंगे तो भी आपको चलेगा, लेकिन आपको आवेदन के साथ में जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर ही आपको आवेदन देना होगा। और इस आवेदन को दोस्तों आपको आपके एरिया का तहसील ऑफिस में ले जाकर आपको जमा करना होगा, तहसील ऑफिस में जमा करने के बाद वहाँ से जो है पारित होगा, और तहसीलदार साहब वहाँ से जो है आप पारित करेंगे, RI अमीन या पटवारी को आदेश ऑर्डर जारी करेंगे। ऑर्डर जारी करने के बाद जो है आपको डेट लिखा रहता है कि कितने तारीखों कौन सा दिन में जो है आपकी जमीन का सीमांकन करना है, उसको वो लोग बता देंगे। इसके बाद में इसके साथ साथ दोस्तों जो आपके जमीन का अगल बगल में जो लोग जिन लोग का भी जमीन है उन लोगों को भी जो है RI अमीन या पटवारी लोग जो है नोटिस काटते हैं, ठीक है, नोटिस काट के दे देते हैं ताकि आपके जमीन का सीमांकन होता है उस दिन वहाँ पे मौजूद रहें, ताकि उन लोग भी मौजूद रहने से उन लोग का अपना अपना जमीन को बताएंगे, उसी हिसाब से आपका जमीन का सीमांकन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों सीमांकन होता है। अगर दोस्तों आप लोग को सीमांकन का आवेदन बनाना नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी बनवा सकते हैं, जो और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आप लोग को बनाकर जो है मैं PDF भेज सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, कि आप लोग को आपके जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदन कैसे लिखें इसके बारे में आप लोग जरूर सीख गए होंगे, जान गए होंगे, और कोई भी अगर डाउट होगा तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो है और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग जरूर पसंद आएगा, पसंद आएगा जरूर जो है एक लाइक करें, साथ में दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।